गुड मॉर्निंग एवरी वन, अस्सलामु अलैकुम, पीस एंड ब्लेसिंग्स अपॉन यू ऑल। आइए अपने ऊपर ध्यान करते हैं। लेट्स फोकस ऑन आवर सेल्व्स। लेट्स ब्रीथ इन हैप्पीनेस एंड ब्रीथ आउट ऑल द सॉरोज। Let's breathe in purity and breathe out all the impurities inside ourselves. Let's breathe in love and breathe out all the hatred we have inside. लव यानी प्यार एक मोजिज़ा है, इट्स अ मिरेकल। प्यार एक ऐसी ताकत है जो ट्रांसफॉर्म कर देती है, सच पावरफुल, लोगों को बदल देती है। और इस प्यार से हम अपनी और लोगों की तकदीर बदल सकते हैं। मगर जब प्यार की बात आती है तो हम प्यार हमेशा लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। वी लुक आउटसाइड, वी लुक एट पीपल एंड वी बिलीव दैट पीपल विल लव अस। मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझसे मोहब्बत करें। या जब प्यार की बात आती है तो लोग हमसे भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये एक ऐसी एनर्जी बन के रह जाती है कि जो हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं और लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे बच्चे माँ बाप से, माँ बाप बच्चों से, बहन भाइयों से, भाई बहनों से, मियाँ बीवी से और बीवी मियाँ से, फ्रेंड्स आपस में फ्रेंड्स से। सो हम ये प्यार एक दूसरे में बांटते रहते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और हम तभी अच्छा महसूस करते हैं जब हमें कोई प्यार कर रहा हो। हम डिपेंडेंट हो जाते हैं लोगों पर कि लोग मुझसे प्यार करें। और इसी तरह से हम एक बेगरिंग जोन में आ जाते हैं। प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, मगर हमें हर वक्त इसको मांगने से बेहतर है कि हम यही एनर्जी अपने आप को दें। लोगों से प्यार लेना ज़रूरी है, मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम खुद अपने लिए प्यार की एनर्जी क्रिएट करें। अगर सारी दुनिया भी आपसे प्यार कर रही है और आप खुद ही अपनी ज़ात को, अपनी शख्सियत को, अपने आप को प्यार नहीं कर रहे, तो पूरी दुनिया का प्यार भी आपके लिए कम पड़ जाएगा। और हम दूसरों के प्यार को भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। अगर दूसरे आपके लिए बहुत ही खूबसूरत हाई वाइब्रेशन थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, मगर आप खुद अपने लिए अच्छे थॉट्स क्रिएट नहीं कर रहे, वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मगर आप जैसे हैं
आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अपना ख्याल नहीं रख रहे, तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। हम वही एक्सपीरियंस करेंगे जो हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं। एंड टुडे आई डिसाइड दैट आई विल लव माई सेल्फ बिफोर आई आस्क फ्रॉम एनीवन। सबसे पहले मुझे खुद अपनी इज्जत और अपनी रिस्पेक्ट करनी है। जब मैं खुद अपनी इज्जत करूंगी, अपनी रिस्पेक्ट करूंगी, अपने आप को एक्सेप्ट करूंगी, तो जो दुनिया मुझे सब कुछ देगी, मैं उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से वैल्यू कर सकूंगी, कदर कर सकूंगी। आइए हम अपने आप से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, और वो जो मेरी रूह की नेचुरल सिफ्ट है, खासा है, वो अपने आप को याद दिलाते हैं और बताते हैं कि मैं कौन हूँ। वो चीज़ें जो हम दूसरों से मांगते हैं, वो मांगने की बजाय हम खुद को बताते हैं कि हम कौन हैं और क्या हैं। I am love. I am loveful being. मैं ना सिर्फ प्यार हूँ, बल्कि मैं प्यार बांटने वाली रूह हूँ। मैं हर किसी को प्यार देती हूँ। I love everyone. I have love in abundance. This is my nature. Love is my nature. I know nothing but love. चाहे मुझसे कोई नफरत ही क्यों ना करे, मगर मुझे सिर्फ मोहब्बत करना आती है, क्योंकि मैं खुद मोहब्बत हूँ, प्यार हूँ। आई एम लव एंड दैट्स ऑल वॉट आई हैव, एंड वॉट आई हैव इज एग्जैक्टली वॉट आई विल गिव टू पीपल। क्योंकि जो आपके पास होता है, आप वही लोगों में बांटते हैं। जो आपके हाथ होता है, वही आप तकसीम करते हैं। और मेरे पास बहुत सा प्यार है। मुझे प्यार के लिए लोगों के सामने भीख नहीं मांगना पड़ती। मुझे प्यार के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ते। प्यार, मोहब्बत, ये मेरा हिस्सा है, यही मेरी ताकत है और यही मेरे पास है। और जो मेरे पास है, वो मैं सब में बांटती हूँ। मुझे जितना लोग प्यार करते हैं, उससे कई गुना मैं उनसे प्यार करती हूँ। छोटे बड़े, गरीब अमीर, हर इंसान से मुझे मोहब्बत है। माई नेचर इज लव। आई लव एवरी वन। आई लव माई सेल्फ मोर देन एनीबडी इन द वर्ल्ड। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। आई एम a loveful being. Have a great, beautiful, and a lovely day.